नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे एंड घर पे होंगे और आपकी सेहत अच्छी होगी। तो आज ईडीसी का नेक्स्ट एपिसोड हम पढ़ने वाले हैं, और लास्ट टाइम मैं आपको पढ़ा रहा था चार्ज न्यूट्रलिटी, बेसिकली जो हमने देखा था कि किस तरह से कितने कंसंट्रेशन चार्जेस की होती है, इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन हमने लास्ट टाइम निकाली थी। तो उसको एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा और उसके ऊपर एक दो क्वेश्चंस करने हैं, और उसके बाद जो मेन टॉपिक आज की एपिसोड का रहेगा वो रहेगा पोजीशन ऑफ फर्मी एनर्जी लेवल। ये कैसे वेरी करता है, किस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं, और नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो फर्मी लेवल है वो कैसे चेंज होता है। तो ये सब चीज़ें आज के एपिसोड में देखनी है। एपिसोड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कुछ आपको इसमें सीखने को मिलेगा, उम्मीद है आपको ये समझ आएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन पोजिशन ऑफ फर्मी एनर्जी लेवल। लेकिन लास्ट टाइम हमने कुछ एक दो नए कंसेप्ट पढ़े थे जिसमें चार्ज न्यूट्रलिटी का कंसेप्ट था। अगर आपको याद हो उसमें हमने इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन हमने निकाली थी एन नॉट। मैं थोड़ा पेन सेलेक्ट करता हूँ। हाँ जी, उसमें हमने एन नॉट निकाला था, और वो क्या था बताइए जरा। वो था एन डी माइनस एन ए, एन डी माइनस एन ए बाई टू प्लस रूट ऑफ एन डी माइनस एन ए बाई टू, इसका होल स्क्वायर हो गया था, प्लस एन आई स्क्वायर, समथिंग लाइक दैट, कुछ इस तरह का हमारे पास ये एक्सप्रेशन हमने लास्ट टाइम देखा था। वैसे तो प्लस माइनस था बट हमने प्लस लिया था। ऐसे ही अगर पी नोट की वैल्यू देखे हुए, बेसिकली ये पी नोट क्या है बताओ। पी नोट है मेरा होल कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। नोट का मतलब इक्विलिब्रियम लगाया मैंने। जब नॉन इक्विलिब्रियम पढ़ोगे तो मैं आपको इक्विलिब्रियम का मतलब समझाऊंगा कि थर्मल इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है और नॉन इक्विलिब्रियम क्या होता है। अभी के लिए आप बस इक्विलिब्रियम है तो इक्विलिब्रियम को लेके चलो कि भाई कोई होता है इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। जरा देखिए, पी नोट जो होता है वो होता है एन ए माइनस एन डी बाई टू प्लस रूट ऑफ एन ए माइनस एन डी बाई टू होल स्क्वायर प्लस एन आई स्क्वायर। एन आई इज इन इंट्रेंसिक कंसेंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन या होल की इंट्रेंसिक कंसेंट्रेशन है। जब आपका सेमीकंडक्टर इंट्रेंसिक होगा तो क्या कंसेंट्रेशन आएगी, वो एन आई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमने बताया कि होल और इलेक्ट्रॉन की कंसेंट्रेशन क्या होती है चार्ज न्यूट्रलिटी के कंसेप्ट से हमने निकाला था। अब एन डी माइनस एन ए, एन डी क्या है, डोनर जो एटम होते हैं उनकी कंसंट्रेशन है पर सेंटीमीटर क्यूब, और एन ए एक्सेप्टर जो एटम होते हैं उनकी कंसंट्रेशन होती है पर सेंटीमीटर क्यूब। अब बहुत सारे सेमीकंडक्टर ऐसे होते हैं जिसमें दोनों हम लोग डालते हैं, जिसको हम कंपनसेटेड सेमीकंडक्टर बोलते हैं, जिसमें एक्सेप्टर इंप्योरिटी भी डालते हैं और डोनर इंप्योरिटी भी डालते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम कंपनसेटेड सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो इसलिए यहां पे एन ए और एन डी दोनों आ रखा है। सोचिए अगर मैं बोलूं कि मान लीजिए मेरा एन टाइप मटेरियल है और मैंने एन ए को जीरो किया हुआ है, सोचिए अगर एन ए मेरा जीरो हो गया तो ये जो रिलेशन है इसमें एन ए की जगह पे जीरो कर दो तो एन नॉट की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू एन डी बाई टू प्लस रूट ऑफ, बोलिए, एन डी बाई टू का होल स्क्वायर प्लस एन आई इसका स्क्वायर, ठीक है। ये कुछ इस तरह का बन जाएगा दोस्तों। इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन आपकी ऐसे आएगी एट इक्विलिब्रियम। ऐसे ही आपका अगर यहां पे एन डी की वैल्यू जीरो कर दोगे तो इस तरह से निकाल सकते हो, और अगर दोनों इंप्योरिटी डाल रखी हैं एन डी और एन ए तो आप डायरेक्टली ये वाले फॉर्मूले लगा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम अंडर इक्विलिब्रियम ये कंसंट्रेशन निकालते हैं। इसके ऊपर लास्ट टाइम हमने एक दो क्वेश्चन किए थे और मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए मेरा जो एन डी है, जैसे एन टाइप है, मच मच ग्रेटर देन एन आई, मान लीजिए बहुत ज्यादा बड़ा है, तो एन नॉट की वैल्यू जो आएगी वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एन डी ही आ जाएगी, अगर एन डी मेरा बहुत ज्यादा बड़ा है तो एन आई से। दूसरा मैंने आपको बताया था अगर ये कंपेरेबल है, ये कंपेरेबल है इसके एन आई के, तो इन दैट केस इंट्रेंसिक कंसेंट्रेशन जो है वो आपकी इलेक्ट्रॉन की जो कंसेंट्रेशन होती है उसको अफेक्ट करेगी। और कभी भी ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन की जो कंसेंट्रेशन है वो एन डी आ जाए और प्लस एन आई आ जाए, या एन डी प्लस आ जाए या एन आई आ जाए, ऐसा कभी नहीं होता कि जितने आयनाइज्ड इंप्योरिटी है वो आ जाए। क्योंकि जनरली हम ये मान के चलते हैं कि जो इंप्योरिटी हमारी आयनाइज हो जाएगी वो सारी की सारी कंडक्शन बैंड में मूव कर जाती है, जनरली हम ऐसा मान के चलते हैं। जरा देखिए, मान लीजिए ये मेरे पास ईडी लेवल है, ईडी लेवल है, डोनर एनर्जी लेवल, ये कंडक्शन है। तो बेसिकली क्या हुआ, यहां से आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर चले जाएंगे, ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन आपके यहां पर चले गए, ठीक है जी, और यहां पर आपका कुछ पॉजिटिव चार्ज यहां पर रह गया, और जो आयनाइज्ड इंप्योरिटी है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो है एनडी प्लस। तो जनरली हमारी हम ऐसा सोचते हैं कि एनडी प्लस का मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे जा चुके हैं, प्लस एनआई, एनआई का मतलब जो इंट्रेंसिक कंसंट्रेशन होती है वो, इन दोनों को अगर मिला देंगे तो हमारे पास एन नोट आएगा। ऐसा नहीं होता दोस्तों,
ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि असल में यहां पे क्या होता है, यहां पे बहुत सारी चीजें और भी पैरेलल में चल रही होती हैं। जैसे कुछ इलेक्ट्रॉन साथ में आपके वैलेंस बैंड में भी आ रखे होते हैं, उनको रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन का प्रोसेस ऐसा भी चलता रहता है, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं आपके, जो यहां से जो इलेक्ट्रॉन है, जो ये डोनर है, ये भी आपका यहां पर आ जाता है कई बार, ठीक है, ये भी आपका यहां पर आ जाता है कई बार, ठीक है। तो इसका मतलब ये प्रोसेस, ये रिकॉम्बिनेशन भी तो पैरेलल में चल रहा है ना। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि एन आई ले लो और एन डी ले लो और उन दोनों को जोड़ दो और इस तरह से, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये रिलेशन आपकी होल्ड करेगी, ठीक है। यहां पे कई और प्रोसेस भी चल रहे होते हैं, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था। मैंने आपको एक बात और बताई थी, अगर ये कंपेरेबल है इसके, ठीक है, तो एन आई जो है वो टोटल एन नोट पे असर डालेगी। एन आई की वैल्यू जो है वो टोटल एन नोट के ऊपर असर डालेगी। जैसे लास्ट टाइम हमने एक क्वेश्चन लिया था जिसमें जो कंसंट्रेशन थी लास्ट टाइम, मेरे ख्याल से एन डी की वैल्यू मैंने 5 × 10⁻¹, जरा देखिए अगर आपको याद हो, 5 × 10⁻¹ कितना, 15 के अराउंड लिया था मेरे ख्याल से, 5 × 10⁻³, एन ए की वैल्यू मेरे पास क्या थी, 0, एन ए वाज 0। एंड एक और चीज हमने लिया था और वो था एन आई, एन आई की वैल्यू क्या थी, 2.3 और मे बी 2.4 × 10⁻³, ऐसा कुछ था मेरे ख्याल से। तो जब हमने ये फॉर्मूला लगाया और एन नोट की वैल्यू निकाली थी, तो एन नोट की जो वैल्यू आई थी वो इनका सम नहीं आया था। अगर सम करेंगे तो 7.3 समथिंग कुछ बनना चाहिए, बट हमारे पास जो आंसर आया था वो कितना था, वो था 5.97, 5.97 × 10⁻³ अप्रोक्सीमेटली इतना कुछ आया था। और अगर मैं डायरेक्ट ऐड करके देखूँ तो, अगर सोचिए, मान लीजिए रूम टेम्परेचर में, मान लेता हूँ कि ये सारे सारा आयनाइज हो रखा है और ये मेरा रूम टेम्परेचर पे कंसंट्रेशन है, कोई सेमीकंडक्टर है उसकी, तो टोटल कंसंट्रेशन तो क्या होनी चाहिए, दिस प्लस दिस, ये उसके बराबर भी नहीं है। मतलब अप्रोक्सीमेटली इसके बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन, वो तब होती है जब ये काफी बड़ा होता है इससे, बट ये कंपेरेबल है फिलहाल। तो इसका मतलब ये भी अब असर डालेगी, ये टोटल कंसंट्रेशन के ऊपर असर डालेगी, ये जो एन आई कंसंट्रेशन है ये। तो पॉइंट को समझिए, ये मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। चलिए, एक दो क्वेश्चन है मेरे पास, उनको जरा मैं सोल्व कर लेता हूँ। लेकिन क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक एक प्लॉट बनाना चाहता हूँ, जरा देखिए। टेम्परेचर के साथ मैं एक प्लॉट आपको दिखा रहा हूं, टेम्परेचर के साथ आपका एन नोट का प्लॉट दिखा रहा हूं, एन नोट का प्लॉट दिखा रहा हूं। इधर मेरा टेम्परेचर है केल्विन के अंदर और इधर मेरी कंसंट्रेशन है लॉगरिथमिक स्केल पे, मतलब ये 10 10 10 का गैप है, आप ये बोल सकते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10⁻¹ है, तो यहाँ पे 10⁻¹ हो जाएगा, 10⁻¹⁹ हो जाएगा, 10⁻¹⁹ हो जाएगा, इस तरह। मान लीजिए ये लॉगरिथमिक स्केल में कंसंट्रेशन है, तो जब आप इसका प्लॉट देखोगे दोस्तों, तो प्लॉट जो है वो कुछ इस तरह का बनेगा, कुछ इस तरह का प्लॉट आएगा, ठीक है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद आपका ये बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 600 केल्विन के बाद ये आपका कुछ इस तरह का नजर आएगा। और यहां पे अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हो, ये जो मेरे पास टेम्परेचर है ये अप्रोक्सीमेटली रहेगा मे बी 150 या 100 केल्विन के अराउंड, 100 केल्विन के अराउंड। अब देखिए, ये यहां से लेके यहां तक का जो रीजन है, इस रीजन में जो इंट्रेंसिक कंसंट्रेशन है, जो एनआई है, दैट इज नेग्लिजिबल, एनआई की वैल्यू वेरी स्मॉल है, एनआई की वैल्यू वेरी स्मॉल है दोस्तों। यहां पे मेनली क्या है बताओ, यहां पे आपका, आप कह सकते हो डोनर इंप्योरिटी जो है वो सारी सारी आयनाइज हो रखी है, इस टेम्परेचर पर डोनर इंप्योरिटी सारी सारी आयनाइज हो रखी है। एनआई की वैल्यू काफी स्मॉल है कंपेयर टू एनडी, एनडी के कंपैरिजन में एनआई की वैल्यू काफी स्मॉल है, आप ये बोल सकते हो, एनडी इज मच मच ग्रेटर देन एनआई, यहां पे आप ये बोल सकते हो। और एनडी प्लस और एनडी बराबर है, मतलब जितने भी एटम थे मेरे पास डोनर वो सारे के सारे आयनाइज हो रखे हैं। यहां पे अगर आप देखेंगे इस रीजन में, लो टेम्परेचर रीजन में, तो लो टेम्परेचर रीजन में एनआई तो काफी ही, बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल हो जाएगा, एनआई की वैल्यू काफी ज्यादा नेग्लिजिबल हो जाएगी, मेनली यहां पे आयोनाइज्ड इंप्योरिटी रहेगी, इसको हम बोलते हैं पार्शियल आयोनाइजेशन रेंज, पार्शियल आयोनाइजेशन रेंज, पार्शियल आयोनाइजेशन रेंज। इस रेंज में हमारा पार्शियल आयोनाइजेशन है, इस रेंज में एक्सट्रिंसिक है, ये बोलते हैं एक्सट्रिंसिक रेंज, दिस इज एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक रेंज। और ये मेरे पास इंट्रिंसिक रेंज आ जाएगी दोस्तों, दिस इज इंट्रिंसिक रेंज। आप बोलोगे सर इंट्रिंसिक क्यों आई, बताऊंगा अभी मैं आपको, ये मेनली इंट्रिंसिक रेंज है, इसको इंट्रिंसिक क्यों बोलते हैं पार्स। और जो बिल्कुल लोअर टेम्परेचर पे अगर आप देखोगे तो फ्रीज आउट को दिखा रही है, ये मेरे पास फ्रीज आउट को दिखा रही है, फ्रीज आउट, ठीक है, ये मेरे पास फ्रीज आउट को दिखा रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था 0 केल्विन पे मेनली क्या होता है, फ्रीज आउट को
को दिखाता है, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह का कंसंट्रेशन मेरे पास आएगी दोस्तों, इस तरह का मेरे पास प्लॉट बनेगा ये अप्रोक्सीमेटली। मैंने अप्रोक्सीमेट प्लॉट बनाया, मैंने ये कंसंट्रेशन ज्यादा जानबूझ के दिखाई नहीं है, बट कोई पर्टिकुलर केस लोगे तो आप दिखा भी सकते हो इस चीज को, ठीक है ना। अब सुनिए, इसको पार्शियल आयनाइजेशन बोलते हैं, बिकॉज सारे के सारे जो एटम है वो आयनाइज नहीं हुए हैं, इसलिए इसको पार्शियल आयनाइजेशन बोला जाता है। इस रेंज को एक्सट्रिंसिक बोला जाता है। क्यों एक्सट्रिंसिक रेंज बोला जाता है? बिकॉज इसमें एनआई जो है वो काफी स्मॉल है, एनडी मेरा काफी लार्ज है, तो जो एन नॉट की वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली एनडी के बराबर ही आ जाएगी, एनडी प्लस के ही बराबर आ जाएगी, ठीक है ना, या वही एनडी प्लस और एनडी मेरे पास बराबर ही है। यहां तक एनआई काफी स्मॉल है, लेकिन इस पॉइंट के बाद क्योंकि टेम्परेचर आप बढ़ाते जा रहे हो, तो जो 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 एनआई है, इंट्रिंसिक कंसेंट्रेशन है, वो भी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। आपने एनआई पढ़ा होगा, एनआई की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। एनआई हम कैसे देखते हैं? इंट्रिंसिक कंसेंट्रेशन इलेक्ट्रॉन और होल पेयर में जो होते हैं, ठीक है ना, तो वो टेम्परेचर की वजह से बनता है, तो वो बढ़ता चला जाएगा आपका। और आप देखिएगा, अगर मैं उसको प्लॉट करूं तो मैं ये बोल सकता हूं जो एनआई की जो कंसेंट्रेशन आएगी वो समथिंग लाइक कुछ इस तरह से आएगी। और धीरे धीरे क्या कर रहा है ये कर्व इस कर्व को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। क्यों? इस पॉइंट के बाद अगर आप देखोगे, मतलब ये जो रेंज है मेरी, ये वाली जो रेंज है, इस रेंज में अगर आप देखोगे तो आप बोल सकते हो एनआई जो है वो कंपेरेबल हो गई है इस पॉइंट के बाद। इस पॉइंट के बाद यहां तक तो एनआई काफी स्मॉल थी, इस पॉइंट के बाद एनआई जो है कंपेरेबल हो गई है, कंपेरेबल विद एनडी, क्योंकि एनडी तो फिक्स हो जाएगा ना भाई, इससे ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन हो नहीं सकते, इससे ज्यादा और कहां से आयनाइज होंगे, ठीक है ना। लेकिन एनआई तो बढ़ता चला जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एनआई की वैल्यू तो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो एनआई बेसिकली क्या होता है, आपको पता होगा ना, एनआई इक्वल टू रूट ऑफ एनसीएनबी ई की पावर माइनस ईजी अपॉन 2kT, ठीक है। तो आप जरा देखिए, टेम्परेचर को अगर आप बढ़ाओगे तो क्या होगा, ये वाली छोटी होती चली जाएगी, ये वाली बढ़ती चली जाएगी, ठीक है ना, ये बढ़ता जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा दोस्तों जब आप बोल सकते हो एनआई की वैल्यू मच मच ग्रेटर देन एनडी हो जाएगी, या ग्रेटर देन एनडी हो जाएगा, आप ये बोल सकते हो। तो इन दैट केस टोटल जो एन नोट बनेगा वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एनआई ही बन जाएगा, मतलब इंट्रेंसिक रेंज आ जाएगी, जो आपका सेमीकंडक्टर वो इंट्रेंसिक की तरह ही बिहेव करेगा एक हायर टेम्परेचर पे। इसीलिए इस रेंज को आप क्या बोलते हो, इंट्रेंसिक रेंज बोलते हो, क्योंकि इस रेंज में एनआई की वैल्यू अच्छी खासी लार्ज है, एनडी के कंपेरेबल है, और धीरे धीरे आप देखेगा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे एनआई की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब एनआई की वैल्यू एनडी से बड़ी हो जाएगी, एट दैट पॉइंट आपका ये इंट्रेंसिक की तरह बिहेव करेगा, समझा। इसलिए उसको क्या बोला जाता है, इंट्रेंसिक रेंज बोला जाता है, ठीक है भाई। उम्मीद है आपको ये जो केस था ये समझ आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जरा देखिएगा, एक पॉइंट और आगे चलते हैं, और यहाँ पे मैं एक दो क्वेश्चन आपको करवाना चाह रहा हूँ, तो चलिए दोस्तों एक दो क्वेश्चन जरा करते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन है, अच्छा एक बात और बताओ जरा, यहीं पे अगर मैं देखूँ पिछले इस केस में, अगर मैं आपसे ये बोलता कि भाई अगर मुझे लॉ ऑफ मास एक्शन लगाना होता तो मैं जानता हूं एन नोट इंटू पी नोट इक्वल टू एन आई स्क्वायर, यही होता है। अगर मान लीजिए मैं बोलूं कि मेरे पास कंपनसेटेड सेमीकंडक्टर है, सोचिए, और उसमें जो डोपिंग है वो मान लीजिए एन ए माइनस एन डी है, पी टाइप मटेरियल है, और उसमें मैंने पी टाइप का मतलब एन ए इज ग्रेटर देन एन डी, पी टाइप का मतलब ये होता है जो मैंने एक्सेप्टर टाइप की जो इंप्योरिटी डाल रखी है वो डोनर टाइप की इंप्योरिटी से काफी लार्ज है, ठीक है। तो बेसिकली ये पी टाइप बन गया है, पी टाइप मटेरियल बन गया है, एन ए इज ग्रेटर देन एन डी है मेरे पास, ठीक है। अब सुनिएगा, अब जरा ध्यान से देखिएगा, एन ए माइनस एन डी मेरे पास नेट इंप्योरिटी रहेगी, एन ए माइनस एन डी नेट अफेक्टिव इंप्योरिटी मेरे पास रहेगी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन और होल कैंसिल आउट कर जाएंगे ना इतना, ठीक है। अब सुनिए, अगर मैं लॉ ऑफ मास एक्शन लगाऊं तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि जो पी नोट की वैल्यू जो आएगी या एन नोट की जो वैल्यू आएगी, अगर मान लीजिए ये मैं बोल दूं एन ए माइनस एन डी इज मच मच ग्रेटर देन एन आई या पी आई, मच मच ग्रेटर देन पी आई, ठीक है, एक ही बात है ना। एक मिनट मैं यहां से रब करता हूं इसको, एन आई और पी आई तो बराबर रहेंगे ना भाई, इंट्रेंसिक है ना। तो मान लीजिए ये जो कंसेंट्रेशन है ये इंट्रेंसिक कंसेंट्रेशन से काफी बड़ी है, तो अगर मैं पी नोट की वैल्यू बताऊं तो पी नोट की वैल्यू क्या बन जाएगी, पी नोट की वैल्यू बन जाएगी एन ए माइनस एन डी, ये मेरे पास पी नोट की वैल्यू आ जाएगी। तो फिर एन नोट की वैल्यू क्या आएगी, एन आई स्क्वायर बाई, तो यहां से एन नोट की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू एन आई स्क्वायर अपॉन पी नोट विच इज एन ए माइनस एन डी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर ये काफी बड़ी है, मतलब कंपनसेटेड सेमीकंडक्टर ले लो तो उसमें भी आप इस तरह से लिख सकते हो। ये एक छोटा सा पॉइंट था जो मेरे से मिस हो गया था, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि किस तरह से हम कंसंट्रेशन को नोट डाउन करते हैं, इस तरह से कैसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना।
अगर मेरे पास कंपनसेटेड सेमीकंडक्टर है तो एक क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन करते हैं, जरा देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बढ़िया है और आपकी बुक में थोड़ा सा इसमें मिस्टेक कर दिया है तो मैं जरा उसको सोल्व करवा रहा हूं। क्वेश्चन है ए सिलिकॉन डिवाइस विद एन टाइप मटेरियल, सिलिकॉन डिवाइस है एन टाइप मटेरियल है, ए सिलिकॉन डिवाइस विद एन टाइप मटेरियल इज टू बी ऑपरेटेड एट टी इक्वल टू 550 केल्विन। टेम्परेचर दे रखा आपको 550 केल्विन, इस टेम्परेचर पे ये ऑपरेट कर रहा है। एट दिस टेम्परेचर द इंट्रिंसिक कैरियर कंसेंट्रेशन मस्ट कॉन्ट्रीब्यूट नो मोर देन 5% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रॉन कंसेंट्रेशन। इसका मतलब इस टेम्परेचर पे जो एनआई आना चाहिए दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 0.05 ऑफ एन नोट। जो टोटल इलेक्ट्रॉन कंसेंट्रेशन है उसका 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे लेस ही रहना चाहिए, ठीक है। ये बात बोलना चाह रहा है ये, ठीक है। डिटरमिन द मिनिमम डोनर कंसेंट्रेशन रिक्वायर्ड टू मीट दिस स्पेसिफिकेशन। आपको बताना है एन ए की एन डी की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम डोनर कंसेंट्रेशन क्या होगी सो दैट ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो जाए। उसके लिए आपको एन डी की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले एन आई ही निकाल लेते हैं इस टेम्परेचर पर क्या होगा। अच्छा एन सी और एन वी मुझे पता है, एन सी और एन वी क्या चीज़ है, एन सी एंड एन वी ये आपका सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है तो उसके लिए रूम टेम्परेचर पे मुझे पता है क्या होता है, मैं आपको लिखवा देता हूँ। रूम टेम्परेचर पे जो एन सी होता है दैट इज 2.8 × 10⁻¹⁹ एंड एन वी जो होता है वो होता है 1. वैसे अगर आपको याद होता तो बहुत अच्छा होता है 1.04। इसको आप याद रखिए भाई, ये रूम टेम्परेचर पे है लेकिन ये ध्यान देना एट 300 केल्विन। और ईजी की वैल्यू जो होती है एट रूम टेम्परेचर वो है मेरे पास 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आपको दे रखा है। तो एक काम करते हैं सबसे पहले एनआई ही निकाल लेते हैं ना कि एनआई की वैल्यू जो है वो क्या आएगी यहां से एट 550 केल्विन, पहले ये निकाल लेते हैं। तो जरा देखिए कैसे निकालेंगे। हम जानते हैं एनआई क्या होता है, एनआई इज रूट ऑफ एन सी एन वी e की पावर माइनस ई जी अपॉन 2kT, आप जानते हो ये होता है। बट NC और NV की जो वैल्यू पता है ये तो मुझे एट रूम टेम्परेचर पता है, एट T इक्वल टू 300 केल्विन पता है, जबकि मुझे बताना किस पे है 550 केल्विन पे। तो आप बताओ क्या करोगे, आप एक काम करते हैं इनको 550 केल्विन पे कैसे निकालेंगे जरा देखिए। NI इज इक्वल टू, मैं काम करता हूं ये NC और NV जो है ये मैं 300 केल्विन वाली वैल्यू ले लेता हूं और मैं जानता हूं NC इज प्रोपोर्शनल टू T की पावर 3/2 एंड NV इज प्रोपोर्शनल टू T की पावर 3/2, दोनों 3/2 के प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर आप ये मैंने डिराइव करवाया था अभी, आप जाके जरा देखिएगा इनकी वैल्यूज, ठीक है। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा NC NV को दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू T क्यूब और इसका अगर मैं रूट लूंगा तो प्रोपोर्शनल टू अगेन 3/2, तो इसके प्रोपोर्शनल आएंगे, रूट ऑफ एन सी एन वी इसके प्रोपोर्शनल है। तो एक काम करता हूं जो ये इनका जो प्रोडक्ट आएगा और जो रूट आएगा वो 300 केल्विन के प्रोपोर्शनल होगा क्योंकि 300 केल्विन पे है। तो एक काम करता हूं इसको डिवाइड कर देता हूं किससे, 300 की पावर 3/2 से। तो इसका मतलब मैंने इस एन सी एन वी में से, एन सी एन वी का जो प्रोडक्ट है और जिसका जो रूट लिया है इसमें से जो टेम्परेचर वाला फैक्टर था उसको मैंने हटा दिया और फिर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 550 की पावर 3/2 से, मतलब वापस से टेम्परेचर वाला फैक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया। 300 केल्विन इसके अंदर मिला हुआ था, अगर मैं ये वैल्यू यूज कर रहा हूं तो 300 मैंने हटा दिया और 550 मैंने इसके अंदर डाल दिया, एक ही बात है। इनटू ई की पावर माइनस ईजी, ईजी है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई, ईजी फिक्स रहता है वो टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट, मैं मान के चल रहा हूं 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई केटी, केटी इज 0.0259 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन अगेन ये 300 केल्विन पे होता है। तो पहले काम करते हैं 300 से इसको डिवाइड करते हैं तो ऊपर चला गया और 550 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 300 वाला फैक्ट्री से हटा दिया डिवाइड करके वो हट गया 300 वाला और 550 वाला इंट्रोड्यूस कर दिया। तो इस तरह से मेरे पास बनेगा और एन सी एन वी की वैल्यू ये जो आई है ये पुट कर दो, ईजी की वैल्यू हमने पुट करी दी, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट नीचे भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट जाएगा। तो अल्टीमेटली जो एन आई मेरे पास बनेगा दैट विल बी इक्वल टू, जो मेरे पास एन आई है दोस्तों दैट विल बी इक्वल टू, ये जो बनेगा ये बनेगा 3.20, आप कैलकुलेट कीजिएगा, इनटू 10⁻¹⁴, ये बनेगा दोस्तों, ये मेरे पास एनआई है। अब आप मुझे बताइए एनआई जो है वो एन नोट का 0.05% है, मतलब 5% मान लो,
तो यहां से एन नॉट की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 3.20 डिवाइड बाई 0.05 इंटू 10^14। तो यहां से जो एन नॉट आएगा दैट विल बी इक्वल टू, अब ये मैं कैलकुलेट कर देता हूं, तो ये जब कैलकुलेट करोगे तो ये बनेगा 3.2 डिवाइड बाई 0.05, ये बनेगा 6.4 इंटू 10^15, ये बनेगा दोस्तों एन नोट। बट आपसे एन नोट पूछा ही नहीं था, आपसे क्या पूछा था, आपसे तो एन डी पूछा था। अब चार्ज न्यूट्रलिटी से हम जानते हैं क्या चीज, कि एन नोट विल बी इक्वल टू एन डी बाई टू प्लस एन ए तो जीरो है ठीक है, प्लस रूट ऑफ बोलिए क्या बनेगा एन डी बाई टू इसका स्क्वायर प्लस एन आई का स्क्वायर, कुछ इस तरह का बनेगा दोस्तों। और मुझे एन नोट की वैल्यू पता है, मुझे एन आई की वैल्यू पता है ठीक है, तो मेरे ख्याल से एन नोट की वैल्यू है 6.4 इंटू 10^15 बताइए 10^15, ये मेरे पास एन नोट है एन डी बाई टू प्लस रूट ऑफ एन डी बाई टू का होल स्क्वायर हो जाएगा ठीक है, प्लस बोलिए एन आई स्क्वायर, एन आई क्या है बताओ, एन आई की वैल्यू ये है 3.2 इंटू 10^14, तो 3.2 इंटू 10^14 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, बोलिए दोस्तों। अब यहां से मेरे ख्याल से आप एनडी कैलकुलेट कर सकते हो, तो आप एनडी की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये और इजीली हमने सोल्व कर दिया। आपकी बुक में थोड़ा सा इसको डिफरेंट तरीके से किया गया है, बट क्योंकि स्टेटमेंट में क्या दिया गया है, स्टेटमेंट में आपको दे रखा है एनआई की जो वैल्यू है वो टोटल कंसेंट्रेशन की 5% से लेस होनी चाहिए, और टोटल कंसेंट्रेशन यहां पे एन नोट है, आपकी बुक में यहां पे एनडी लिख दिया इसकी जगह पे ठीक है, तो वो थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लगा तो इसलिए मैंने इसको सोल्व करवाया ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे हमने देखा कि किस तरह से इसको हम सोल्व करेंगे और क्या क्वेश्चन था हमारा, आगे बढ़ते हैं। अब अपने मेन टॉपिक पे आते हैं और वो है पोजीशन ऑफ फर्मी एनर्जी लेवल ठीक है, पोजीशन ऑफ फर्मी एनर्जी, इस टॉपिक को अपने को पढ़ना है ठीक है। मैं आपको बता दूं जो फर्मी एनर्जी होती है उसकी पोजीशन को आप वेरी कर सकते हो दोस्तों, वो वेरी होती रहती है ठीक है, कैसे जरा देखिए। अगर आपको याद हो तो मुझे एक बात बताइए, जो एन नोट था हमने एन नोट को डिराइव किया था, अगर आपको याद हो वो था एन सी ई की पावर बोले क्या था ई एफ माइनस ई सी बाई के टी, कुछ इस तरह का था दोस्तों, बोल्ट्जमैन अप्रोक्सीमेशन का यूज किया था हमने और उससे हमने इसको डिराइव किया था, एन नोट की वैल्यू ये आई थी। सिमिलरली जो पी नोट की वैल्यू आएगी दोस्तों दैट विल बी इक्वल टू एन वी ई की पावर बोलिए ई वी माइनस ई एफ अपॉन के टी, ये हमारे पास आया था। अब अगर यहां से थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करूं इसको तो मैं बोल सकता हूं पहले इससे चलते हैं, एन नोट बाई एन सी इक्वल टू ई की पावर EF माइनस ई सी बाई के टी, EF माइनस ई सी बाई के टी, सही बात है। अब एक काम करते हैं LN ले लेते हैं इसका, तो ये बन जाएगा EF माइनस ई सी बाई के टी इक्वल टू LN, LN के अंदर क्या आएगा N नोट बाई एन सी, N नोट बाई एन सी, और के टी को उधर ले जाओ तो यहां से मैं लिख सकता हूं EF माइनस ई सी इक्वल टू के टी LN, के टी LN N नोट बाई एन सी। और मैं अगर इसको उल्टा कर दूं ई सी माइनस ई एफ, क्योंकि ई सी बड़ा होता है तो ई सी माइनस ई एफ, जनरली ई एफ नीचे होता है कंडक्शन बैंड से, कंडक्शन बैंड अगर यहां पे है तो फर्मी लेवल में थोड़ा सा नीचे मानता हूं जनरली, ऐसा जरूरी नहीं है भाई, अगर नॉन डीजनरेट सेमीकंडक्टर होंगे तो आप जानते हो वो आपके ऊपर चला जाएगा ठीक है ना। तो ई सी माइनस ई एफ इक्वल टू ये बन जाएगा के टी एल एन एन सी बाई एन नोट, वैसे भी एन सी बड़ा होता है नोट से तो नेगेटिव आएगा इसीलिए ये भी नेगेटिव आएगा ठीक है ना। अब फिलहाल मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ ठीक है भाई। अब ये बड़ी कमाल की चीज़ है, ये मुझे बहुत कुछ बताएगा, ये मुझे बहुत कुछ जानकारी देगी इन्फॉर्मेशन, ये जो फॉर्मूला निकल के आया ये मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी देगा, बताऊंगा कैसे। सिमिलरली यहां से देखिए, यहां से अगर आप देखोगे तो यहां से मैं बोल सकता हूं ई वी माइनस ई एफ इक्वल टू के टी एल एन पी नोट बाई एन ए, पी नोट बाई एन ए, एक बार चेक कर लो, पी नोट बाई एन वी नोट एन ए, पी नोट बाई एन वी आएगा भाई ठीक है ना, तो पी नोट बाई एन वी ठीक है। अब सुनिए, क्योंकि यहां पे ई एफ ई वी से बड़ा होता है, ई एफ ऊपर होता है ई वी से, तो यहां से मैं ई एफ माइनस ई वी लिख देता हूं, ये डिफरेंस आ गया मेरे पास कि ई वी से कितना ऊपर है ई एफ, वो भी आप निकाल सकते हो,
दैट इज के टी एल एन एन वी बाई पी नोट। अब जरा गौर फरमाइए, यहां पे या यहां पे, दोनों एक ही चीज बता रहे हैं, दोनों एक ही चीज बताएंगे। ये बस पी टाइप के लिए है जिसमें मैंने आपकी जो पी टाइप मटेरियल है जिसमें डॉपिंग मेरी पी टाइप है, होल ज्यादा है, ये एन टाइप के लिए, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताइए, देखा जाए तो ये जो डिफरेंस है फर्मी एनर्जी का, कंडक्शन एनर्जी, कंडक्शन लेवल, जो कंडक्शन बैंड जो होता है उसके साथ जो डिफरेंस है, दैट विल टोटली डिपेंड ऑन एन नोट। जो मेरा एन नोट है ये इस पे डिपेंड करेगा, और एन नोट कैन बी वेरीड। एन नोट को आप वेरी कर सकते हो कैसे, यूजिंग डॉपिंग, ठीक है। डॉपिंग की हेल्प से आप एन नोट को चेंज कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो अगर मैं ये बोलूं कि मान लीजिए मैंने डॉपिंग ऐसी कर दी, मच मच ग्रेटर देन एनआई कर देता हूं, चलो, तो इन दैट केस आप जानते हो एनडी इज नियरली इक्वल टू एन नोट के, एन नोट की वैल्यू एनडी के बराबर ही आ जाती है, तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा ईसी माइनस ईएफ इक्वल टू के टी। मैं टेम्परेचर को फिक्स रख रहा हूं, टेम्परेचर को नहीं वेरी कर रहा हूं एक मिनट के लिए, मैं सिर्फ कंसंट्रेशन को वेरी कर रहा हूं। के टी एल एन, बोलिए भाई, एनसी बाई एनडी, ये बन जाएगा। एनसी तो फिक्स है मेरा, क्योंकि टेम्परेचर फिक्स है तो एनसी भी फिक्स रहेगा। एनडी को मैं वेरी कर सकता हूं, मैं डोपिंग कंसंट्रेशन को चेंज कर दूंगा, तो आप देख सकते हो फर्मी लेवल जो है वो मेरा, ये जितना ज्यादा मेरा एनडी होगा उतना ज्यादा ये छोटा होता चला जाएगा, उतना फर्मी लेवल ईसी के नजदीक आता जाएगा। तो अगर मैं प्लॉट दिखाऊं आपको, तो मैं बोल सकता हूं मेरे पास मान लीजिए कोई प्लॉट है, ये मान लीजिए मेरे पास ईसी है, और इधर मैं डोपिंग को वेरी कर रहा हूं, डोपिंग को मतलब एनडी, एनडी मेरा चेंज हो रहा है, इधर मैं डोपिंग को वेरी कर रहा हूं एनडी, ठीक है। जब एनडी मेरा नेग्लिजिबल था तो आप बोल सकते हो ईएफ जो है वो ईएफआई के बराबर था, ईएफ इक्वल टू ईएफआई, इंट्रिंजिक फर्मी लेवल के बराबर था, ठीक है। और जैसे जैसे मैं डोपिंग बढ़ाता जाऊंगा क्या होता जाएगा, ये जो गैप है ईसी माइनस ईएफ की वैल्यू ये कम होती चली जाएगी दोस्तों, जो जो गैप है मेरा ये कम होता चला जाएगा। कम गैप होने का मतलब है, कम गैप होने का मतलब है हाईली डॉप्ड सेमीकंडक्टर, कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं नीचे की तरफ देखूं होल, ये तो मैंने एन टाइप के लिए बताया ना, ये तो मैंने एन टाइप के लिए बताया, अगर मैं कंसंट्रेशन बढ़ाता जाऊंगा, डोपिंग लेवल बढ़ाता जाऊंगा, तो फर्मी गैप जो है, फर्मी लेवल का जो गैप है वो कम होता चला जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये डोपिंग के साथ इसका कर्व है, ये डोपिंग के साथ मैंने बनाया है इसका, ठीक है। अब सुनिए, पी टाइप, ये तो एन टाइप था, पी टाइप में आते हैं। पी टाइप में एक्सेप्टर टाइप इंप्योरिटी होती है, तो अगर मैं एक्सेप्टर टाइप इंप्योरिटी, अगर मेरी एक्सेप्टर टाइप इंप्योरिटी मेरी नेग्लिजिबल है एन ए, तो ये तो इंट्रिंसिक की तरह रहेगा, फर्मी लेवल ई एफ आई के बराबर रहेगा, ये मेरा ई एफ आई है, ये लेवल है ई एफ आई। अब अगर मेरे पास सोचिए एन ए की वैल्यू जीरो है, तो यहां यहीं पर फर्मी लेवल रहेगा, और ये मेरा क्या है, ये मेरा मान लीजिए इस तरफ ये मेरा क्या है, ये मेरा वैलेंस बैंड एनर्जी लेवल है, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं एनए को बढ़ाऊंगा, वैसे वैसे ये जो गैप है इनका, ये बढ़ता चला, ये घटता चला जाएगा, ये वाला गैप ई एफ माइनस ई वी, ये आप यहां से देख सकते हो। इस पी नोट की जगह पे एनए लिख सकते हो आप, बिकॉज अगर एनए अच्छा खासा लार्ज है तो आप इसको अप्रोक्सीमेटली रिप्लेस कर सकते हो, ई एफ माइनस ई वी इक्वल टू के टी एल एन, के टी एल एन एन वी बाई एन ए। और जितना आप एनए को बढ़ाते चले जाओगे क्या होगा बताइए जरा, एनए की वैल्यू को अगर आप बढ़ाते चले जाओगे तो एक जो गैप है ई एफ माइनस ई वी, ई एफ माइनस ई वी ये गैप है, ये मेरा ई एफ है दोस्तों, फर्मी लेवल, ठीक है ना, ये ई एफ माइनस ई वी, ई वी मेरा ये नीचे वाला है, तो जो गैप है ये कम होता चला जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो इस तरह से मेरा जो फर्मी लेवल है वो चेंज होगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से आप बोल सकते हो कि फर्मी एनर्जी मेरी कम होती चली जाएगी, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, ये बहुत बढ़िया रिलेशन थी और इसको हमने देखा, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए दोस्तों, मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैं इधर ही सोल्व करवा देता हूं। क्वेश्चन ये है, सिलिकन एट 300 केल्विन, मेरे पास कोई सिलिकन क्रिस्टल है और टेम्परेचर दे रखा आपको 300 केल्विन, सिलिकन एट 300 केल्विन कंटेन्स एन एक्सेप्टर इंप्योरिटी एनए, एनए की वैल्यू दे रखी है दैट इज 10^16 पर सीसी, डिटरमिन द कंसेंट्रेशन ऑफ डोनर इंप्योरिटी, एनडी की वैल्यू बतानी है क्या होगी, एनडी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, दैट मस्ट बी एडेड सो दैट द सिलिकन इज एन टाइप,
ये कह रहा है सिलिकन मेरा क्या है, मेरा एन टाइप होना चाहिए, तो एन टाइप तो तभी होगा जब एन डी मेरा एन ए से बड़ा होगा ऑब्वियसली, ठीक है. सो दैट द सिलिकन इज एन टाइप एंड फर्मी एनर्जी इज 0.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिलो द कंडक्शन बैंड. जो कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन बैंड एज है मेरा, उससे फर्मी लेवल जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 0.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये नीचे होना चाहिए. दोस्तों आपको बताना है क्या चीज, ND की वैल्यू क्या होगी. N टाइप मटेरियल है. आप मुझे एक बात बताओ, 300 केल्विन पे जो NI होता है वो तो बहुत ही कम होता है, 1.5 × 10^10 के अराउंड होता है मेरे ख्याल से ना, पर सीसी इतना होता है. अब NI खुद देखो कितना ज्यादा लार्ज है, और ND तो उससे भी ज्यादा लार्ज होना चाहिए बिकॉज N टाइप है. इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि जो ये एक्सप्रेशन था मेरा EC-EF, यहां पे जरा देखिए EC-EF दैट विल बी इक्वल टू क्या बनेगा बताओ, मुझे डिफरेंस निकालना है. ये दे रखा है वैसे आपको डिफरेंस, इक्वल टू KT, KT की वैल्यू 0.0259 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट खैर के डिफरेंस भी मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल रहा हूं, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हटा रहा हूं दोनों तरफ से, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और यहां पे क्या आ जाएगा, ln बोलिए क्या बनेगा, NC/N0. अब NC क्या है, NC मुझे इसका पता होना चाहिए. मैंने आपको अभी भी बताया था सिलिकन का NC क्या होता है, सिलिकन का NC शुरू में आपको मैंने एक्सप्लेन किया था, 2.8 × 10^19 एट 300 केल्विन, ठीक है ना. तो आपको याद रखना पड़ेगा NC/N0. अब N0 क्या लिखोगे, N टाइप है और NA और ND काफी लार्ज है. आप सोचे ND NA से ज्यादा लार्ज है, तो यहां पे मैं लिखूंगा ND-NA, सिंपल सी बात है. ये 10^16 ऑर्डर का आएगा डिफरेंस, क्योंकि ये इससे भी बड़ा है, तो जब डिफरेंस लोगे तो आंसर 10^16 में ही आएगा, जबकि NI तो बहुत ही ज्यादा लेस है. तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन होगी, जो N0 की जो कंसंट्रेशन आएगी, नियरली इक्वल टू ND-NA ही आ जाएगी यहां पे, जरा ध्यान से देखिए, ठीक है भाई. तो ये एक्सप्रेशन बनेगा मेरे पास. अब आपको क्या पूछा है बताओ, आपसे पूछा ND की वैल्यू क्या होगी, NC आपको दे रखा है, ठीक है, NC की वैल्यू आपको दे रखी है, और ये आपको दे रखा है, ये है 0.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहां पे है 0.0259 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ln. इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोनों तरफ का हट गया. NC की वैल्यू क्या है बताओ जरा, NC इज 2.8 × 10^19. ये याद रखिए भाई, सिलिकन का तो एटलीस्ट याद रखो ना, डिवाइड बाई ND-NA 10^16. एक बार देख लीजिएगा दोस्तों. तो यहां से आप क्या कर सकते हो, यहां से मेरे ख्याल से आप ND की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, यहां से आपका ND की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है ना. तो ND की जो वैल्यू आएगी दोस्तों, दैट विल बी, जो मेरे पास एक्सप्रेशन है, दैट इज 2.24 × 10^16, समथिंग लाइक दैट, हाँ जी, पर सीसी. ये मेरे पास ND का एक्सप्रेशन आएगा. उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया कि किस तरह से हम ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे. और फर्मी लेवल अगर आपको दे रखा है तो इसको आप उल्टा भी बना सकते थे, आपको ND दे रखा है, NA दे रखा है, और आपसे मैं पूछ लेता बताओ फर्मी लेवल जो है वो कितना बिलो है कंडक्शन बैंड एज से, ठीक है, तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो. कहानी बड़ी सिंपल थी, ठीक है ना. आगे, हाँ जी, तो ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं, जरा देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपको एक ग्राफिकल क्वेश्चन है, बेसिकली एक डायग्राम दे रखा है, तो उसमें जरा देखिए क्या है. आपको एक कंडक्शन बैंड लेवल दे रखा है, एक वैलेंस बैंड लेवल दे रखा है, और यहां पे आपको एक आपको जो जो एनर्जी लेवल है ईवी वो आपको दे रखा है, नॉट ईवी, ईए, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, ये आपको दे रखा है. और ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है ये गिवन है आपको, एट रूम टेम्परेचर दिस इज 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आपको ये दे रखिए भाई, दिस इज द आयनाइजेशन एनर्जी 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है. अब इस क्वेश्चन में ये कह रहा है मेरे पास ये सिलिकन है और पी टाइप सिलिकन है एट 300 केल्विन पे. आपको क्या बताना है, आपको एक तो फर्मी लेवल पोजीशन बतानी है, इसकी पोजीशन आपको बतानी है कहां पे होगी, फर्मी लेवल पोजीशन आपको कैलकुलेट करनी है. दूसरा मैक्सिमम एनए आपको बताना है, सो दैट बोल्ट्जमैन अप्रोक्सीमेशन होल्ड ट्रू, सो दैट बोल्ट्जमैन अप्रोक्सीमेशन होल्ड ट्रू, सो दैट बोल्ट्जमैन अप्रोक्सीमेशन होल्ड ट्रू, सो दैट ये आपकी ट्रू हो बोल्ट्जमैन अप्रोक्सीमेशन. आपको NA की वैल्यू भी आपको बतानी है, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल आपको दे रखा है. अब जरा देखो बोल्ट्जमैन अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, बोल्ट्जमैन अप्रोक्सीमेशन होता है EF-EV
मतलब ईवी से जो वैलेंस बैंड एनर्जी लेवल है, वैलेंस बैंड एज है, उससे आपका जो ईएफ होना चाहिए एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 3 KT से बड़ा ही होना चाहिए। तो मिनिमम से मिनिमम भी लेकर चलूंगा तो 3 KT ले लूंगा, और इसकी जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 0.077 अप्रोक्सीमेटली, ये बनेगा 0.0265 होता है ना, 259 होता है, तो उसको अगर आप 3 से गुना करोगे तो आप देख लीजिए ये 9 × 3 = 27 2 आ गया, तो 5 × 3 = 15 और 2 × 17 = 7 1 × 6 = 7 कुछ इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनेगा भाई। इसका मतलब जो आपका ई एफ होगा वो ईवी से पता चल गया मुझे कितना ऊपर होगा, समवेयर यहां पे होगा ई एफ। ये जो गैप होगा ये आपका है 0.077 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये है 0.0777 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, तो 0.05 से तो ऊपर ही होगा, तो मुझे फर्मी लेवल की पोजीशन पता चल गई है क्या है। अच्छा, इसका मिड में अगर मैं देखूं तो यहां पे आपको क्या नजर आएगा, इंट्रिंजिक फर्मी लेवल ई एफ आई, मिड बैंड ई एफ आई, ये मेरा बिल्कुल मिडल में होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है सुनिए, अगला क्वेश्चन है आपको एन ए की वैल्यू बतानी है, एक्सेप्टर इंप्योरिटी आपको बतानी है कितनी होगी। अब मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको बताया था क्या कि जो मेरा पी जो कंसंट्रेशन आएगी, होल कंसंट्रेशन, अगर मैं उसको एनआई की टर्म में लिखूं तो एनआई की टर्म में मैं लिख सकता हूं एनआई इंटू ई की पावर ई एफ आई माइनस ई एफ बाई के टी, समथिंग कुछ इस तरह का होता होगा मेरे ख्याल से, अगर आपको याद हो तो ये इस तरह का था, पी इक्वल टू इस तरह का कुछ था मेरे पास। अब आप मुझे एक बात और बताइए, यहां से अगर मैं ई एफ आई माइनस ई एफ की वैल्यू कैलकुलेट करूं, जरा देखिए ई एफ आई माइनस ई एफ की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो क्या बनेगा, ये बताइए, ये बनेगा के टी एल एन पी अपॉन एन आई। बोले एक बार चेक कर लीजिएगा, मैं भी एक बार चेक कर लेता हूं, तो मेरे हिसाब से ठीक है, ई एफ आई माइनस ई एफ की वैल्यू जो है वो है के टी एल एन पी अपॉन एन आई। अब मुझे एक बात आइए, होल कंसंट्रेशन किसके बराबर होगी, अगर मान लीजिए ई एफ और ई वी बिल्कुल 3 KT पे आ गया, बिल्कुल नजदीक आ गए, सोचिए बिल्कुल ही पास आ गए, तो इसका मतलब डोपिंग कंसंट्रेशन काफी हाई है, ठीक है, तो इसका मतलब पी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या बनेगा, एन ए ही आ जाएगा, क्योंकि डोपिंग कंसंट्रेशन हाई होगी तभी तो ये गैप, अदरवाइज जो फर्मी लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर रहता है ना, फर्मी लेवल ईवी के कब पास आएगा, यही तो हमने सीखा भी, यही तो हमने देखा, ठीक है। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि जो फर्मी लेवल है वो मेरे पास, क्योंकि इनमें गैप बहुत कम है ई एफ और ईवी के बीच में, तो पी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एन ए, तो यहां से क्या बन जाएगा, ई एफ आई माइनस ई एफ की वैल्यू बताइए कितनी है, वो है 0.0777 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू के टी विच इज 0.0259 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एल एन, बोलिए एल एन में क्या आएगा, एन ए अपॉन एन आई, एन ए अपॉन एन आई, ये बन गया दोस्तों। अब एन आई मुझे पता होता है 300 केल्विन पे एन आई की वैल्यू क्या होती है, तो वो 1.5 × 10^10 के अराउंड होती है, एन आई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इतनी होती है, तो वो आप पुट कर सकते हो यहां पे, और मेरे ख्याल से एन ए की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना, तो एन आई की जो वैल्यू है वो आप यहां पे पुट कर दीजिए और उस तरह से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन था, मुझे लगता है इजीली आप इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है भाई। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जरा देखिए, नेक्स्ट अब टेम्परेचर पे देखते हैं कि फर्मी लेवल जो है वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है, तो डिपेंडेंस ऑफ फर्मी लेवल ऑन टेम्परेचर, जरा देखिए मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए मेरे पास कोई सेमीकंडक्टर बल्क है, कोई सेमीकंडक्टर बल्क है मेरे पास, सिलिकन का ही समझ लीजिए, अगर मैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट कर दूं तो आप जानते हो एनआई की वैल्यू जो है वो आपकी इंक्रीज होती चली जाएगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा, सोचिए एन टाइप है, एक मिनट के मैं मान लेता हूं एन टाइप सिलिकन सेमीकंडक्टर, एन टाइप है तो इसका मतलब इसमें जो डोपिंग होगी वो एनडी टाइप की डोपिंग होगी, एनडी मेरे डोनर एटम इसमें डोप किए गए होंगे, तो इसमें एनडी की वैल्यू चलिए 10^15 के अराउंड मान लेता हूं, और एनआई की वैल्यू जो है वो मान लेता हूं 10^10 के अराउंड है एट 300 केल्विन मान लीजिए, मैं ये मान लेता हूं। अब मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करते जा रहा हूं तो ऑब्वियसली ये तो सारे के सारे आयनाइज हो चुके होंगे, 300 केल्विन पे इवन सारे के सारे आयनाइज हो चुके होते हैं,
केवल 5% बचते हैं, लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था। अब मान लीजिए मैं टेम्परेचर इंक्रीज करते जाऊंगा तो ये वैल्यू जो है ये इंक्रीज होती चली जाएगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये इसके कंपेरेबल हो जाए, और अगर और भी टेम्परेचर बढ़ाते चले गए तो ऐसा हो सकता है कि ये इससे ज्यादा हो जाए। सोचिए ये अगर मान लीजिए 10^17 या 18 के अराउंड होगी एनआई की वैल्यू किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, सोचिए एनआई की वैल्यू 10^17 होगी, तो टोटल जो कंसेंट्रेशन बनेगी इलेक्ट्रॉन की अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या बनेगी, दिस प्लस दिस, अगर मैं रफ आइडिया लगाऊं तो, लेकिन ये काफी बड़ा है इससे, तो इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एनआई ही हो जाएगी। क्या कहते हैं, एन नोट की वैल्यू एनआई के बराबर ही हो जाएगी, पॉइंट को समझिए। ठीक है, तो इसका मतलब है जो सेमीकंडक्टर है वो इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर की तरह ही बिहेव करेगा, क्योंकि इंट्रेंसिक कंसेंट्रेशन के बराबर ही तो आ रहा है हाई टेम्परेचर पे अगर मैं देखूं तो। अगर मेरे पास, तो यहां से अगर मैं कंक्लूड करूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मेरे पास डॉप्ड सिलिकन है, डॉप्ड सेमीकंडक्टर है, उसको अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाते चला जाऊंगा तो एक टेम्परेचर ऐसा आ जाएगा, एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जिस पॉइंट पे आपका वो इंट्रेंसिक की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो जरा देखिए, अगर मान लीजिए मैं इसका इसमें फर्मी लेवल दिखाऊं एट 300 केल्विन या लोअर टेम्परेचर पे दिखाऊं, तो मैं बोल सकता हूं दिस इज ईसी एंड दिस इज ईवी। जो फर्मी लेवल का गैप है समवेयर, वो मान लीजिए इतना है यहां पे, ये मेरा ईएफ है दोस्तों, दिस इज ईएफआई, ये मेरे पास ईएफआई है, और एट सम टेम्परेचर डॉपिंग मान लीजिए कर रखी है आपको, कोई मान लीजिए 200 टेम्परेचर लगा लो, इधर मान लीजिए मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं, इस तरह मेरा टेम्परेचर मान लीजिए इंक्रीज हो रहा है, तो एट लोअर टेम्परेचर में भी 100 केल्विन और में भी आप बोल सकते हो 200 केल्विन, आपका जो ईएफ था वो समवेयर यहां पे था, ये जो गैप था ये काफी कम था ईएफ का, एन टाइप सेमीकंडक्टर था, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे होल से, ईएफ का ईबी के साथ गैप कम था। लेकिन जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाते जाऊंगा क्या होगा दोस्तों, जो कंसेंट्रेशन है इलेक्ट्रॉन कंसेंट्रेशन, वो एनआई को अप्रोच करेगी, एनआई के बराबर होती जाएगी, क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे एनआई की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, और ये एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इससे ज्यादा हो जाएगा तो उस टाइम ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन की कंसेंट्रेशन होगी वो एन नोट के बराबर ही हो जाएगी। वैसे तो एन नोट का जो फॉर्मूला बनेगा वो अब ये बनेगा, जरा ध्यान से देखिए, एनडी बाई टू प्लस माइनस रूट ऑफ, प्लस ही आएगा माइनस नहीं आएगा यहाँ पे, एनडी बाई टू का होल स्क्वायर प्लस एनआई का स्क्वायर। अब सोचिए एनआई इतना बड़ा है इससे कि ये नेग्लेजिबल हो जाएगा और ये भी नेग्लेजिबल हो जाएगा, एनआई ही आ जाएगा, इसका मतलब इंट्रेंसिक की तरह बिहेव करेगा। तो जो आपका फर्मी लेवल है वो भी क्या होगा, वो आपका कहां पे लाई करेगा बताओ जरा, जो फर्मी लेवल है वो आपका इसको अप्रोच करेगा, इसी पॉइंट को अप्रोच करेगा, पॉइंट को समझिए भाई। ठीक है, क्लियर है भाई, ये किसी पर्टिकुलर डोपिंग पे लगा है, मान लीजिए 10^12 की डोपिंग थी उस पर यह है। सिमिलरली अगर मैं इस तरफ देखूं, यहां पे मान लीजिए पी टाइप में देखूं, तो पी टाइप में इस तरह का कुछ बनेगा, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे ऐसे से इंट्रेंसिक की तरफ आता जाएगा, मतलब ईएफ जो है वो ईएफआई को अप्रोच करेगा, क्योंकि वो इंट्रेंसिक बन रहा है और इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में ईएफ की वैल्यू ईएफआई के बराबर होती है। अगर मैं डोपिंग को बढ़ाऊंगा तो बस ये थोड़ा बढ़ जाएगा और कुछ नहीं है, ये थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा और कुछ नहीं है। अगर डोपिंग मेरी ज्यादा लार्ज है, सोचिए 10^14 है, तो इसका अंदर थोड़े से हायर टेम्परेचर पर इंट्रेंसिक बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको दिखा सकते हो, मतलब टेम्परेचर पर आप देखिए फर्मी लेवल कैसे डिपेंड कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो फर्मी एनर्जी लेवल जो होगा वो आपका इंट्रेंसिक फर्मी लेवल को अप्रोच करना स्टार्ट करेगा इस सेमीकंडक्टर में। ठीक है भाई, उम्मीद है आपको ये केस समझ आया। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब एक दो क्वेश्चन है जो स्टूडेंट ने मुझसे पूछे हैं, जो पर्सनल मुझे मैसेज किए हैं, मैं उनको जरा आपको आंसर कर देता हूं। ठीक है, तो वो जरा देखिए, और इसके बाद हमारा ये जो चैप्टर है ये पूरा हो जाएगा। ये जो चैप्टर का नाम था ये था सेमीकंडक्टर इन इक्विलिब्रियम, इसके बाद हम कैरियर ट्रांसपोर्ट पढ़ने वाले हैं, अगला चैप्टर स्टार्ट होगा, तो ये लास्ट लेक्चर है। इसके बाद एक डीपीपी आएगी इसकी, नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा वो डीपीपी वाला लेक्चर रहेगा, और उसके बाद फिर मैं कैरियर ट्रांसपोर्ट पढ़ाऊंगा। तो मैं अब कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो स्टूडेंट ने मुझसे पूछे हैं उनको जरा मैं आपको आंसर करता हूं। थोड़े बहुत और चीजें हैं इसमें जो आपको समझनी है इस चैप्टर में। जरा देखिए, एक क्वेश्चन था मेरे पास, एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर जरा देखिए मेरे पास एक डायग्राम है, दिस इज ईसी दिस इज ईवी, एक क्वेश्चन है मेरे पास, और फर्मी लेवल मान लीजिए यहां पे है। अब फर्मी लेवल क्या बोलता है, फर्मी लेवल बताता है कि वो लेवल जहां पे जिससे बिलो 50% आपके इलेक्ट्रॉन जो है, मतलब जहां पे इस एनर्जी लेवल पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन होगी इलेक्ट्रॉन की वो 50% होगी। ठीक बात है, मतलब अगर आपको याद हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन आपका जो एफ ई जो था, दैट वॉज 1/1 प्लस e की पावर e माइनस ई एफ बाई के टी, यही था मेरे ख्याल से।
ये आपने पढ़ा था, तो E इक्वल टू EF कर दोगे तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हाफ आ जाएगी। मतलब इस लेवल पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रहेगी वो आपकी 50% होगी। लेकिन ये तो बैंड गैप है और बैंड गैप में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। इजी, ये मेरा बैंड गैप है, नो इलेक्ट्रॉन इन दिस गैप, इस गैप में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन फर्मी एनर्जी क्या बोल रही है, फर्मी एनर्जी लेवल बोल रहा है कि इस पोजिशन पे 50% प्रोबेबिलिटी है ऑक्यूपेशन की, जो भी स्टेट्स यहां पे अवेलेबल होंगी उनमें 50% ऑक्यूपाइड होगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। वो यहां पे सोचिए, जो इलेक्ट्रॉन की जो कंसेंट्रेशन है एनई, जो इलेक्ट्रॉन की कंसेंट्रेशन है किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल ई पे, जो इलेक्ट्रॉन की कंसेंट्रेशन होगी एनई, वो किस पर डिपेंड कर रही है? वो सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन पर डिपेंड नहीं कर रही है, वो आपकी जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है उस पर भी तो डिपेंड कर रही है। अब यहां पे डेंसिटी ऑफ स्टेट है ही नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन जरूर यहां पे 50% है। अगर यहां पे कुछ स्टेट्स अवेलेबल होती तो उनमें फिर इलेक्ट्रॉन भी होता यहां पे, लेकिन यहां पे तो यहां पे डेंसिटी ऑफ स्टेट है ही नहीं। तो कुछ स्टूडेंट का मानना कहना यह था कि सर, एक दो स्टूडेंट ने मुझे डाउट बोला कि सर इस जगह पे जो फर्मी लेवल है वो हमें यह बताता है कि 50% यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन है, लेकिन यहां पे तो इलेक्ट्रॉन होना ही नहीं चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या रहेगा? कुछ मीनिंग नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो यहीं पे आएंगे, इलेक्ट्रॉन तो इसी जगह पे आएंगे, इस जगह पे आएंगे आपके, क्योंकि यहां पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, इलेक्ट्रॉन होने की जो कंडीशन है उसमें सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन नहीं होनी चाहिए, डेंसिटी ऑफ स्टेट भी होना जरूरी है भैया। और डेंसिटी ऑफ स्टेट यहां पे तो है ही नहीं, यहां से शुरू होता है, यहां पे डेंसिटी ऑफ स्टेट जीरो होगी और उसके बाद बढ़ती चली जाएगी। आपको याद होगा अगर आपने रो ई का अगर आपने देखा हो, ठीक है, तो वो कुछ इस तरह का था हमारे पास रो ई, डेंसिटी ऑफ स्टेट ई के साथ, तो यहां पे मेरा ई सी था और यहां पे मेरा ई बी था, ठीक है, कुछ इस तरह का हमारे पास आया था। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट तो केवल यहीं पे है ना, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन आएंगे भी यहीं पे, इस प्रोबेबिलिटी अकेले का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है भाई, ये ध्यान रखिए, ये सबसे पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट जरा देखिए, पॉइंट नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू देखिए। एक चीज हमेशा याद रखनी है, अंडर इक्विलिब्रियम अंडर इक्विलिब्रियम जो फर्मी लेवल की जो पोजीशन होती है दैट विल बी फ्लैट, फर्मी लेवल फ्लैट होगा विद पोजीशन, विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन के रिस्पेक्ट में। ध्यान देना, अभी तक जो भी आपने फर्मी लेवल प्लॉट कर रहे हो ये वाले, ये पोजीशन के रेस्पेक्ट में नहीं है, ये तो टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में है। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई सेमीकंडक्टर है इस तरह का, थोड़ा इतना लंबा सेमीकंडक्टर है, ठीक है, यहां पे मान लीजिए एक्स की वैल्यू जीरो है और यहां पे एक्स की वैल्यू मान लीजिए एल है, सम लेंथ है मान लीजिए सेमीकंडक्टर की। तो अब अगर मान लीजिए मैं देखूं यहां पे जो फर्मी लेवल आएगी वो फ्लैट आएगी पूरी एक्स के साथ, एक्स के रेस्पेक्ट में, इस जगह पे भी फर्मी लेवल वही होगा, इस जगह पे भी, इस जगह पे, हर जगह फर्मी लेवल की पोजीशन बराबर रहेगी दोस्तों, मतलब फ्लैट रहेगा एक्स के रेस्पेक्ट में। अगर आप प्लॉट करोगे पोजीशन के रेस्पेक्ट में, अगर आप फर्मी लेवल को प्लॉट करोगे, ठीक है, तो फर्मी लेवल फ्लैट रहेगा दोस्तों, ईएफ जो है अंडर इक्विलिब्रियम वो फ्लैट रहेगा। और अगर ये यूनिफॉर्मली डॉप्ड है, अगर ये यूनिफॉर्मली डॉप्ड है मतलब पर सेंटीमीटर क्यूब हर जगह बराबर डोपिंग की गई है, तो आपका जो कंडक्शन बैंड है और जो वैलेंस बैंड है वो भी आपके फ्लैट ही रहेंगे, ठीक है, अंडर इक्विलिब्रियम। मतलब ये जो गैप है ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, दिस विल बी कांस्टेंट अगर यूनिफॉर्म डोपिंग है तो। और फर्मी लेवल कभी भी आपका स्लोपी नहीं हो सकता अंडर इक्विलिब्रियम, याद रखिएगा अंडर इक्विलिब्रियम कभी भी स्लोपी नहीं हो सकता। अगर स्लोपी हो गया, आप बोलोगे सर स्लोपी हो गया तो फिर इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, जरा देखिए कैसे। अगर मान लीजिए मैं बोलूं ईसी ऐसे है और ईवी मेरा ऐसे है, एक्स के साथ दिखा रहा हूं मैं आपको, एक्स के साथ, जैसे एक्स के साथ देखोगे ईसी मेरा ये है, ईवी मेरा ये है, और मान लीजिए फर्मी लेवल मेरा इस तरह का हो गया, ईएफ मान लीजिए इस तरह का हो गया, फर्मी लेवल मान लीजिए स्लोपी हो गया, ये क्या दिखा रहा है? ये नॉन इक्विलिब्रियम को दिखा रहा है, नॉन इक्विलिब्रियम को दिखा रहा है दोस्तों। इसका मतलब देयर विल बी सम फील्ड, यहां पे सब कुछ फील्ड एग्जिस्ट करेगी। या फिर आप सोचिए इस तरफ जो ईसी के साथ ईएफ का जो गैप है वो बहुत कम है,
इस तरफ ईसी के साथ ईएफ का जो गैप है वो बहुत कम है, इसका मतलब कंसंट्रेशन क्या है बताओ, यहां पे हाई है, इस तरफ हाई कंसंट्रेशन है और इस तरफ आपका गैप ज्यादा है ईसी माइनस ईएफ। आपको याद होगा अभी अभी हमने पढ़ाया ईसी माइनस ईएफ की वैल्यू क्या थी, बताओ जरा, के टी एल एन बताइए, एनसी बाई एनडी, ये था ना मैंने आपको बताया, जितना ज्यादा डोपिंग होगा उतना ये गैप जो है कम होगा। तो इसका मतलब इधर हाईली डोप्ड है और इधर लाइटली डोप्ड है, तो अगर इधर हाईली डोप्ड होगा इधर लाइटली डोप्ड होगा तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, इसका मतलब नेट करंट आएगा फिर, ठीक है, नेट करंट आ जाएगा। तो अंडर इक्विलिब्रियम कोई करंट होना नहीं चाहिए, अंडर इक्विलिब्रियम नेट करंट क्या होता है, जीरो। अंडर इक्विलिब्रियम क्या होता है, नेट करंट इज जीरो, नेट करंट क्या होगा मेरा, देयर इज जीरो। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो अब तो नेट करंट आएगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इसका मतलब ये नॉन इक्विलिब्रियम को दिखा रहा है, याद रखिएगा, ठीक है, ये मेरा नॉन इक्विलिब्रियम को दिखा रहा है, ठीक है। अब तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन में फर्मी लेवल जो है वो आपका क्या होगा, वो फ्लैट होगा। अब यहां से एक और क्वेश्चन उठ जाता है फिर, अब एक और यहां से एक क्वेश्चन उठता है, जरा देखिए कैसे। मान लीजिए मेरे पास कोई सेमीकंडक्टर बल्क है और मैंने बस डोपिंग की है, ये मान लीजिए अंडर इक्विलिब्रियम है, अंडर इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है समझिए, मतलब मैं यहां पे टेम्परेचर के अलावा और कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं लगा रहा हूं इसके ऊपर, हीट टेम्परेचर के अलावा और कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं है, मतलब यहां पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं अप्लाई कर रहा हूं मैं, अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया तो भी नॉन इक्विलिब्रियम हो जाएगा। दूसरा, मैं कोई इल्यूमिनेट नहीं कर रहा हूं इसको, मतलब कोई लाइट नहीं डाल रहा हूं इसके ऊपर, नहीं तो फिर से अगेन ये नॉन इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब अभी के लिए फिलहाल इतना रखिए कि केवल मैं टेम्परेचर से इसको एक्साइट कर रहा हूं, बस मैं हीट कर रहा हूं बस, और कुछ नहीं, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, या फिर मैं डोपिंग कर रहा हूं, डोपिंग से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास ये सेमीकंडक्टर कोई बल्क है, ठीक है, सिलिकॉन का मान लीजिए, और मैंने बोला कि मान लीजिए इधर मेरी हाईली डोप्ड है, इधर डोपिंग मेरी बहुत ज्यादा हाई है और इधर मेरी डोपिंग जो है वो लाइट डोप्ड है, यहां पे बहुत ज्यादा हाईली डोप्ड है, प्लस प्लस करने का मतलब बहुत ज्यादा हाईली डोप्ड है और इधर लाइटली डोप्ड है। मैं इसमें टेम्परेचर के अलावा कोई एक्साइटेशन नहीं दे रहा हूं, कोई अलग से कुछ नहीं प्रोवाइड कर रहा हूं इसको, तो इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में ही रहेगा, इक्विलिब्रियम में है। अब अगर मुझे वेन डायग्राम बनाना हो इसका तो मैं कैसे दिखाऊंगा, एक्स के साथ, यहां पे एक्स जीरो है और यहां पे एक्स मेरा कोई भी एल ले लीजिए, अगर मुझे वेन डायग्राम दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, जरा देखिए दोस्तों, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो नेट करंट क्या आना चाहिए, जीरो। नेट करंट जो आना चाहिए वो आपका जीरो आना चाहिए। अब नेट करंट कैसे जीरो आएगा, जरा देखिए नेट करंट जीरो कैसे आएगा। आप बोलोगे सर इधर हाईली डोप्ड है और इधर लाइटली डोप्ड है, तो इसका मतलब इस तरफ क्या होगा, जो फर्मी लेवल का जो गैप होगा कंडक्शन बैंड के साथ वो कम होगा और इस तरफ फर्मी लेवल का जो गैप होगा कंडक्शन बैंड के साथ वो ज्यादा होगा। और क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो फर्मी लेवल तो फ्लैट आएगा, इक्विलिब्रियम में है तो एक चीज तो भूल जाओ कि फर्मी लेवल मेरा क्या रहेगा, फ्लैट रहेगा। अच्छा, इधर कंडक्शन बैंड मेरा कुछ इस तरह का आएगा, कंडक्शन बैंड इधर ज्यादा आएगा, ध्यान से देखिए, इस ओर इधर कम रहेगा, इधर गैप ज्यादा रहेगा। क्यों ज्यादा रहेगा, इधर कम क्यों रहेगा, क्योंकि इधर हाईली डोप्ड है और मैंने आपको बताया ये चीज, यहां से आप देख सकते हो, ठीक है, इधर आपका ये कम रहेगा, इधर आपका ज्यादा रहेगा, क्योंकि ये अंडर इक्विलिब्रियम है तो जो बैंड गैप है वो भी कॉन्स्टेंट रहेगा। यहां से जो ईवी है वो कुछ इस तरह का नजर आएगा दोस्तों, जो ये जो गैप है, ये जो गैप है ये हर जगह कॉन्स्टेंट रहेगा, इजी जो बैंड गैप है दिस विल रिमेन कॉन्स्टेंट। तो अगर ईसी इस तरह का है तो ईवी मेरा इस तरह का आएगा, ठीक है, दिस इज माय ईवी, ध्यान दीजिएगा। फर्मी लेवल मेरा फ्लैट रहेगा बिकॉज इक्विलिब्रियम है। अब आप बोलोगे सर नेट करंट जीरो कैसे होगा, नेट करंट तो आएगा क्योंकि यहां पे हाई कंसंट्रेशन है, लो कंसंट्रेशन है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। तो इसका मतलब यहां पे कुछ करंट, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होगा तो यहां पे तो करंट आएगा, लेकिन नेट करंट क्या होना चाहिए, जीरो। तो नेट करंट तो जीरो नहीं हुआ, और नेट करंट जीरो नहीं हुआ तो इक्विलिब्रियम का क्या मतलब रहा, इक्विलिब्रियम का मतलब है जो कोई प्रोसेस हो रहा है उसका रिवर्स प्रोसेस भी होना चाहिए। इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन इधर भी आने चाहिए, सिंपल। नेट करंट जीरो होना चाहिए अंडर इक्विलिब्रियम, अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम। तो अब आप बताइए यहां पे तो आप जरा देखिए इधर कंसंट्रेशन ज्यादा इधर कंसंट्रेशन कम है, तो आपने ये तो बिल्कुल सही बना दिया, फर्मी लेवल फ्लैट है, यहां पे गैप कम है, यहां पे गैप ज्यादा है, तो आपने कंडक्शन बैंड को तिरछा बना दिया और वैलेंस बैंड को भी तिरछा बना दिया बिकॉज बैंड गैप हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, बिल्कुल सही किया।
लेकिन ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कंडक्शन बैंड या वैलेंस बैंड में जो स्लोप है, स्लोप इन कंडक्शन बैंड एनर्जी, कंडक्शन बैंड एज एनर्जी और वैलेंस बैंड एज एनर्जी, वैलेंस बैंड एज एनर्जी रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट द प्रेजेंस ऑफ फील्ड, द प्रेजेंस ऑफ फील्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्लोप इन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड या वैलेंस बैंड में अगर स्लोप आ गया तो ये फील्ड की प्रेजेंस को रिप्रेजेंट कराता है। ये कोई फील्ड आ जाएगी, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह एग्जिस्ट करेगी यहां पे, उसकी प्रेजेंस को दिखाता है। अब आप बोलोगे सर ये कैसे? जरा देखिए एनर्जी के साथ फील्ड कैसे जुड़ी होती है। आपने अगर इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ा है तो मैंने इलेक्ट्रोस्टेट में पढ़ा है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस क्यू ई डॉट डी एल फ्रॉम ए टू बी। अगर आप देखते हो कोई चार्ज को ए से बी तक लेके आते हो तो दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये फॉर्मूला होता है। और चेंज इन पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एल अगर आप ए से बी पे आ रहे हो तो। ठीक है, अगर वन डायमेंशन का केस ले लूं तो मैं बोलूंगा डेल्टा वी या डी वी लिख लो, डी वी इज इक्वल टू ई डी एक्स, ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर स्मॉल लेंथ में देख रहे हो तो ये आएगा dv। तो यहां से अगर आप लिखोगे तो dv by dx चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू माइनस ई, या माइनस इधर लगा दो तो ये आ जाएगा e। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दोस्तों, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अच्छा, अब चेंज इन पोटेंशियल अगर मैं du की बात करूं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, u इज पोटेंशियल एनर्जी, दैट विल बी इक्वल टू माइनस क्यू, बल्कि प्लस क्यू, और माइनस ई डॉट डी एल को लिख देता हूं dv, माइनस ई डॉट डी एल को लिख लेता हूं डीवी और क्यू को अलग ले लेता हूं। अब यहां से बताइए डी यू बाई डी एक्स क्या बन जाएगा बताओ? दैट विल बी इक्वल टू क्यू डीवी बाई डी एक्स। और यहां से डीवी बाई डी एक्स बताइए, डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू वन बाई क्यू डी यू बाई डी एक्स, क्या कहते हो? और यहां से माइनस अगर मैं निकालूंगा तो यहां से माइनस डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू ई, यहां से माइनस लगा दो बोथ साइड, एंड दैट विल बी इक्वल टू माइनस वन बाई क्यू डी यू बाई डी एक्स। बोलिए दोस्तों क्या कहते हो? इसका मतलब अगर एनर्जी में चेंज आ रहा है, यू इज पोटेंशियल एनर्जी, अगर ये भी तो पोटेंशियल एनर्जी थी, तो अगर पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, दैट विल बी रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट विल बी रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पर जरा देखिए, अगर पीछे आएंगे, अब यहां पर जरा देखिए, ये मेरा एक्स है, इधर मेरा एक्स वेरी कर रहा है, एक्स के साथ ये जो स्लोप है ये मेरा पॉजिटिव है, एनर्जी जो है वो एक्स के साथ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है और ई की वैल्यू मेरी नेगेटिव है। क्यू जो है वो इलेक्ट्रॉन का, अगर मैं चार्ज ले लूं तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज मेरा नेगेटिव होता है, तो ई की वैल्यू मेरी क्या बन जाएगी? पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी एक्स डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी इस डायरेक्शन में पॉजिटिव आएगी, इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इधर की तरफ आएगी, क्योंकि मैं एक्स के रेस्पेक्ट में देख रहा हूं, मैं पॉजिटिव एक्स के रेस्पेक्ट में देख रहा हूं। तो अगर आप बोलोगे तो du by dx पॉजिटिव x में पॉजिटिव है, उधर जब जा रहा हूं तो मेरा पॉजिटिव है ये, और e मेरा नेगेटिव हो गया, q मेरा नेगेटिव हो गया, तो माइनस से माइनस कट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब यहां पे क्या होगा दोस्तों? यहां पे एक इस तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। अब ध्यान से सुनना, अब क्या होगा? नेट करंट जीरो कैसे हुआ? अब यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी उस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में तभी एग्जिस्ट करेगी जब यहां पे अपने आप एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाए, इधर हायर पोटेंशियल और इधर लोअर पोटेंशियल, क्या कहते हैं? तो जो इलेक्ट्रॉन इधर डिफ्यूज हो रहा है उससे कुछ करंट बनना चाहिए, उस करंट को नलीफाई करेगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला करंट, क्योंकि यहां पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, और वो इलेक्ट्रॉन को किधर खींचेगा? ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये अपनी तरफ खींचना स्टार्ट करेगा, इधर खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा। तो जो डिफ्यूजन करंट था, जो इलेक्ट्रॉन उधर डिफ्यूज हो रहा था, उसको इस फील्ड वाले करंट ने क्या कर दिया? नलीफाई कर दिया, और नेट करंट क्या रहेगा? जीरो रहेगा। ध्यान से समझिएगा। तो यहां से आप क्या सीखे? यहां से हम सीखे कि अगर फील्ड जो EC और EV है, अगर उसके अंदर स्लोप आ जाए, अगर उसके अंदर स्लोप आ जाए, दैट विल रिप्रेजेंट द प्रेजेंस ऑफ फील्ड। अगर उसके अंदर स्लोप है तो वो फील्ड की प्रेजेंस को दिखाएगा। ध्यान दीजिएगा, अंडर इक्विलिब्रियम फर्मी लेवल हमेशा फ्लैट रहेगा, फर्मी लेवल कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर फर्मी लेवल चेंज हो गया तो वह नॉन इक्विलिब्रियम, फर्मी लेवल अगर फ्लैट नहीं है, वो स्लोपी है,
तो इसका मतलब वो नॉन इक्विलिब्रियम को दिखा रहा है दोस्तों, याद रखिएगा, वो नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन को दिखा रहा है। इन दैट केस आपका करंट फ्लो करेगा, ठीक है, याद रखिएगा। और अगर ये दोनों अगर स्लोपी हैं तो मैंने आपको बताया वो फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, वो फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी इन दैट केस, वहां पे फिर पोटेंशियल डिफरेंस अपने आप क्रिएट हो जाएगा। ये बड़े काम की स्टेटमेंट है, इसको देखिएगा। तो ये एक दो डाउट आए थे मेरे पास, उनको मैंने बताया। एक और पॉइंट जरा देखिएगा, इस लाइन को आप लिख लीजिएगा। एक और चीज जो मैं बताना चाह रहा हूं उसको जरा देखिएगा। देखिए दोस्तों, मान लीजिए मेरे पास दो मटेरियल है, मान लीजिए मेरे पास दो मटेरियल है, ठीक है, मेरे पास दो मटेरियल है। ये कोई मटेरियल ए है, सेमीकंडक्टर ए है, और ये मेरे पास कोई सेमीकंडक्टर बी है, ये मेरे पास कोई सेमीकंडक्टर बी है। अब यहां पे जो जो फर्मी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन है वो कुछ इस तरह का है। ये मेरा ई एफ है दोस्तों, यहां पे ये मेरा ई एफ लाइन है, ई एफ, ठीक है, इधर ई मेरा वेरी कर रहा है, ई इक्वल टू ई एफ पे हाफ बन रहा है, मतलब फर्मी लेवल समवेयर यहां पे लाई कर रहा है, और यहां पे इसका मतलब इससे बिलो जितने भी पोजिशन होंगी वो ऑक्यूपाइड रहेंगे, तकरीबन ज्यादा ऑक्यूपाइड रहेंगे आप ये कह सकते हो। और इसमें आपका जो फर्मी लेवल है, अच्छा यहां पे मैं मान रहा हूं कि मेरे पास वैलेंस बैंड है, ये मेरे पास ई सी था, और यहां पे समवेयर मेरे पास ई वी है दोस्तों, ये मेरे पास ई वी है। तो आप प्रोडक्ट, आप जानते हो कैसे प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की पोजिशन निकालने के लिए वो आप ले सकते हो, है ना, तो वो आप जानते होंगे कि डेंसिटी कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कितने इलेक्ट्रॉन इधर लाई करेंगे, इतने आप जानते हो। चलिए मैं प्लॉट भी कर देता हूं, वो आपका कुछ इस तरह का प्लॉट बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन का, ये इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन आ गई, और यहां पे आपका होल की कंसंट्रेशन कुछ इस तरह की आ जाएगी, ठीक है भाई। अब एक दूसरा सेमीकंडक्टर है जिसमें आपका जो फर्मी लेवल है, ईवी मेरा यहां पे है मान लीजिए, ईसी मेरा यहां पे है, और ईवी मान लीजिए मेरा यहां पे अगेन, बट जो फर्मी लेवल है वो समवेयर यहां पे है, थोड़ा गैप कम है इसमें, एन टाइप मटेरियल मान लीजिए आप, ठीक है, तो उसमें कुछ इस तरह का होगा दोस्तों, और ये मेरा क्या था, ये मेरा डेंसिटी ऑफ स्टेट्स थे। तो अगर मैं यहां पे भी इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन देखूं तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन कुछ इस तरह की ज्यादा बनेगी यहां पे, ठीक है ना, और यहां पे होल की कंसंट्रेशन बहुत ही कम बनेगी, ठीक है, और फर्मी लेवल थोड़ा सा ऊपर है, इस लेवल से थोड़ा ऊपर है। अगर मैं इन दोनों को एक साथ कंपेयर करूं तो मैं मान सकता हूं ये जो लेवल है, ये लेवल समवेयर यहां पे है, ये इसका लेवल यहां पे ऊपर है थोड़ा सा। अब अगर मैं दोनों को एक साथ पास पास में लेके आऊंगा, अगर मैं ज्वाइंट कर दूं दोनों को, सोचिए, मतलब यहां पे आप ये कह सकते हो इसमें हाईली डोप्ड है, ये इसमें हाईली डोप्ड है, और ये लाइटली डोप्ड, ये बल्कि डोप्ड है ही नहीं, इंट्रेंसिक है, मान लीजिए बराबर है, ठीक है। अब सोचिए दोनों को अगर मैं एक साथ ज्वाइंट कर दूं, अगर मैं एक साथ ज्वाइन कर दूं तो सुनिए क्या होगा, अगर मैं एक साथ ज्वाइन कर दूं तो क्या आपको समझ आएगा इससे। सोचिए अगर मैं इनको बिल्कुल पास पास में ले आया, ये मैंने यहां पे ले आया और दूसरा मैंने यहां पे लगा दिया, इसमें मेरे हाईली डोप्ड है एन डी प्लस प्लस और यहां पे एन डी है, तो उससे क्या होगा दोस्तों, अब इन दैट केस फर्मी लेवल जो है वो फ्लैट हो जाएगा, पूरा फ्लैट फर्मी लेवल आएगा, मतलब ऐसे अलग अलग फर्मी लेवल नहीं आएगा, एक ही फर्मी लेवल बन जाएगा अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो। लेकिन जो ईसी और ईवी का जो एक्स के साथ अगर आप पोजिशन देखोगे, ये फिलहाल एक्स के साथ नहीं है भाई, ध्यान देना, ये कर्व जो मैंने बनाया एक्स के साथ नहीं है, लेकिन अगर आप एक्स के साथ देखोगे तो एक्स के साथ फर्मी लेवल जो है वो दोनों का पूरे में पूरा मटेरियल जो है ए से बी अगर आप देखोगे, ये मान लीजिए मटेरियल ए था, ये मेरा बी था, फर्मी लेवल एक्स के साथ एक फ्लैट नजर आएगी, लेकिन जो ईसी आएगी वो थोड़ी सी तिरछी हो जाएगी यहां पे, और ईवी भी तिरछी हो जाएगा एक्स के साथ, क्यों, क्योंकि इधर हाईली डोप्ड है, ये आपका हाईली डोप्ड है, ये लाइटली डोप्ड है, तो यहां पे गैप जो है कम हो जाएगा, समझ रहे हो, यहां पे गैप थोड़ा ज्यादा रहेगा, और यहां पे एक फील्ड भी एग्जिस्ट करेगी इन दोनों के बीच, एक अपने आप एक फील्ड क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो पॉइंट को समझिए दोस्तों कि ये जो पिछला किस्सा जो मैंने समझाया आपको, ये कहां से जुड़ा हुआ है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी कहानी जो है ये समझ आई। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे जब मुलाकात होगी दोस्तों, तो नेक्स्ट एपिसोड में मैं इसके कुछ क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूं, डीपीपी कुछ सोल्व करवाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो अगर इस वीडियो से आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर हुए हो तो मेक श्योर कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए भाई वीडियो को, ठीक है, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे उतना मुझे थोड़ा सा फायदा हो जाता है, ठीक है। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो।
ये हमारा QR कोड है मोबाइल ऐप के लिए, आप इसको स्कैन कर लीजिए और स्कैन करके आप मोबाइल ऐप पे पहुंच जाएंगे, वहां से उसको इंस्टॉल कीजिए, आपको बहुत नई चीज़ मिलने वाली है मोबाइल ऐप पे। हमारी जो जो ऐप है, अगर ये स्कैन ना हो तो आप CES लर्निंग जो है गूगल प्ले स्टोर में, उससे आप उसको सर्च कर सकते हो, वहां से भी आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। तो मेक श्योर कि आपको इंस्टॉल करें। ये हमारे नंबर हैं दोनों 7508211721 एंड 9981867932। तो मेक श्योर कि आप इस पे अगर कोई क्वेरी हो आपकी, कोई डाउट हो, वो आप डाउट यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो, मैं आपके डाउट लूंगा। ये हमारी वेबसाइट का लिंक है भाई www.cesedu.co.in, यहाँ पे भी आप कोर्सेज की जानकारी ले सकते हो दोस्तों, जो भी आपको जानकारी चाहिए कोर्सेज की वो आप यहाँ से भी आप उठा सकते हो, ठीक है ना। परचेज भी कर सकते हो उन कोर्स को यहाँ से, ठीक है जी। तो आज के एपिसोड में इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू, आपने इंटरेस्ट दिखाया क्लास में, और थैंक यू।